फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आपके लिए फिर से एक नया क्राफ्ट लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने देखिए बेस कार्डबोर्ड ले लिया है और इस बेस कार्डबोर्ड और ये कुछ मेरे पास फैब्रिक के कतरन है जिससे हम यूज़ करेंगे। इसमें हमें फेविकॉल चाहिए होगा और सीज़र चाहिए होगी, हॉट ग्लू गन चाहिए होगा। तो इन सब से मिलाकर हम एक क्राफ्ट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे ये एक मैंने स्ट्रिप ले ली है फैब्रिक की, इससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप देखिए इसको इस तरीके से हम दोनों तरीके से मोड़ लेंगे और बेसिकली इसको थोड़ा थिक करने के लिए, और इसको हम ऐसे करते जाएंगे। और अब हम इसको देखिए इस तरीके से रोल करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ से थिक होने देंगे। उसके बाद देखिए आप इसको रोटेट करते जाइए फ्लावर को और फैब्रिक को, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से देखिए दिख रहा है आपको भी, इसको आप रोटेट करते जाइए। बीच बीच में आप जो है इसमें हॉट ग्लू या ग्लू भी लगा सकते हैं जिससे कि ये टाइट रहेगा, देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार ये फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको ज़्यादा इसमें टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस तरीके से इसको घुमाते जाइए ताकि वो रोज़ की पेटल्स बनती जाए, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं, देखिए इस तरीके से आप इसको घुमाते जाइए। इस तरीके से देखिए आप देख रहे हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। बीच बीच में आप ग्लू भी लगा सकते हैं ताकि ये स्टिफ हो जाए। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे शेयर। देखिए ये फ्लावर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसका कॉर्नर है आप देख सकते हैं, इसको आप रोल करके एक इसका कॉर्नर जो है सेंटर में चिपका दीजिए ग्लू लगा के, इस तरीके से देखिए। अब इसको थोड़ा सूखने के लिए हम रख देंगे। देखिए इसी तरीके से मैंने कितने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको उस पर चिपकाएंगे, पर उससे पहले हम एक जो हमारा मेन कार्डबोर्ड है आप देख सकते हैं, उसमें मैंने क्या करा है, ये स्ट्रिप्स हमने कार्डबोर्ड की काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। काटने के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें मैंने कुछ डिज़ाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन आप देख पा रहे हैं। तो इस बीच में मैं जैसे फ्लावर पेस्ट करूँगी और इधर का एरिया है जो मैं थोड़ा सा ये स्ट्रिप्स यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो आइए पेस्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको चिपकाते जाएंगे। देख सकते हैं मैंने ये जो था कार्डबोर्ड को एक साथ जो है चिपका लिया है उस मेन कार्डबोर्ड पे। अब देखिए जो दूसरी साइड थी उसमें मैंने ये पेपर बैग होता है उसका, जो पेपर बैग का मैंने स्ट्रिप काटी है और उसको जस्ट रोल रोल करके, ऐसे रोल रोल करके क्रश करके उसको थोड़ा सा, और ये ऐसे चिपका दिया है, देख सकते हैं ये चिपका दिया है मैंने। अब मैं ये पूरा जो एरिया है इसको इसी तरीके से चिपका दूँगी। अब मैं चिपका कर आपसे शेयर करती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इसको लगाना है और जब हम इसको कलर करेंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपसे शेयर करती हूँ। मैंने ये जो
पेपर बैग से कटिंग करके लगाया था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है इस कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं। और इधर से कार्डबोर्ड के पीसेज लगाए थे, और ये जो बीच का स्पेस है उसको मैं जो मैंने फ्लावर्स बनाया फैब्रिक के उससे कवर करूँगी। अब मैं जो है इसमें ब्लैक कलर करने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं कलर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सेंटर में मैंने जो है ब्लैक कलर कर दिया है, अब आप देख सकते हैं कि इधर मैंने स्टार्ट किया है और उधर भी अभी करने वाली हूँ, तो इसको कंप्लीट करके मैं आपसे शेयर करती हूँ। ब्लैक कलर कंप्लीट कर लिया है, अब देख सकते हैं आप, मैं ये गोल्डन कलर जो है उसका टच दे रही हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर, और इधर भी दूँगी। तो मैं इसका ये कंप्लीट करके आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने इधर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं इस साइड को भी कंप्लीट करूँगी। देखिए ये साइड भी फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें जो सेंटर वाला ब्लैक पार्ट है उसमें मैं फ्लावर्स लगाऊंगी, तो उसको देखते हैं, हॉट ग्लू गन से हम पेस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये जो फ्लावर्स बनाए थे वो मैंने चिपकाना शुरू कर दिया ऑन द बोर्ड, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से मैं सारे चिपका दूँगी, तो आपसे शेयर करती हूँ फिर। देखिए मैंने और फ्लावर्स भी चिपका लिए हैं, देख सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपसे शेयर करती हूँ। ये फ्रेंड्स मेरी जो ये क्राफ्ट थी वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप देखिए कैसा लग रहा है। और इसको मैंने देखिए हैंग भी कर दिया है। तो अगर आपको ये क्राफ्ट जो है अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं।